मैं कुकर कमा के खुआऊंगी, मेरी बेटी ने कुकर पालूंगी। कितने बच्चे हैं जी आप? एक लड़की है जी। एक लड़की डेढ़ साल, एक लड़की डेढ़ साल। दिया दे दो बनावा। बनावा की चाहिए जी। मार का बाज गए वे मेडिकल में लेकर आए तो मेरे भाई पे भी हमला कर जी। उनने मेरे भाई वो खुद उनने भी उठा के ले कर आया था और उस पर भी हमला कर उनने मनारो पीछी है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। फिलहाल हमारी टीम सामान्य हॉस्पिटल जींद में पहुंची है और कैमरामैन को कहूंगा एक बार घुमा करके दिखाएं यहां पर भाई धरना प्रदर्शन लगा रखा है, क्या कारण है, क्या मामला है, सारी बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या मामला हो गया जी आज यहाँ? देखिए, जींद नगर परिषद ने आवारा पशुओं को हाँकने के लिए ठेका दिया हुआ है जी। और उस ठेकेदार के तहत राम कलोन निवासी सुनील कुमार जी पशु आगने का कार्य करता था जी। शनिवार शाम को जब रात को 9 बजे जब वो गोहाना रोड शहीद स्मारक के पास पशु आगने का काम कर रहा था तभी डिफेंस कॉलोनी निवासी यश कुमार पुत्र अमरजीत तेज गति से चल आते हुए उसने सुनील को जोरदार टक्कर मार दी जी। और तो न केवल के कारण लगी है जी ना जी, और सुनील ने उसको रुकने का भी इशारा किया था मगर वो और स्पीड में था। वो उसमें आवारा पशुओं का क्या रोल है जी? आवारा पशुओं की वजह से शहर में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। अच्छा, इस वजह से ठेकेदारों ने उनको हांकने के लिए इनको डेप्यूट किया हुआ था। उसने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि 50 फुट तक सुनील को घसीटता हुआ ले गया। अच्छा जी। और उसका सारा पेट फट गया और सारे इंटरनल ऑर्गन बाहर निकल गए थे। जो सुनील के साथ आए हुए थे उन लोगों ने सुनील को और बाइकर को उठाकर सिविल हॉस्पिटल में लाया गया जहां सुनील कुमार को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और यश ने अपने परिजनों को बुलाकर सुनील के साथ आए लोगों के साथ मारपीट की, अभद्रता की और सुनील को जबरदस्ती हॉस्पिटल से तो उठाकर। बाइक वाला लड़का वो कहां का है जी? डिफेंस कॉलोनी जींद। अच्छा, आप कहां से? राम कॉलोनी से? हम राम कॉलोनी से। जी जी। अच्छा, जो लड़का था वो मृत हो गया जी? हाँ जी, सुनील की डेथ हो चुकी है। शनिवार रात को ही उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। ठीक है, तो अभी जो धरना लगा रखा है जी, अभी क्या मतलब क्या मांग करें? हम चाहते हैं जिस तरह से करनाल में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने पर एक किसान की मृत्यु हो जाती है, जिसको प्रदेश सरकार दो नौकरियों के साथ साथ 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देती है, हम ये कहते हैं कि जब सरकार किसान आंदोलन के मृतक को 25,000 रुपए आर्थिक सहायता और दो नौकरी देती है तो सुनील की बेवा को भी डीसी रेट पार्ट टू की नौकरी दे और 20 लाख रुपए आर्थिक सहायता दे। जब तक सरकार ये घोषणा नहीं करेगी हम इस सुनील का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ये सरकार की मर्जी है, वो दो दिनों में करे या चार दिनों में करे, ये मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति पर। शनिवार रात को? शनिवार रात को। हाँ जी। तो डेड बॉडी अभी तक यहीं पे है? हाँ जी, मोर्चरी में रखी हुई है। अच्छा। हाँ जी। तो ये मांग है जी आपकी, तो अभी प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी, कोई नुमाइंदा कोई आया? कल एसडीएम महोदय आए थे, उन्होंने इस तरह की मांग पूरी करने से साफ मना कर दिया, बट हम अपनी मांग पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं और जब तक मांग पूरी नहीं करेंगे हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चलो भाई, आपने देख लिया तो यहाँ पर जो बाइक की वजह से जो लड़का जो जिनका एक्सीडेंट हुआ, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके जो परिजन है और जो यहाँ पर बैठे हैं इनका एक ही कहना है कि जिस प्रकार से करनाल लाठी चार्ज के अंदर जो किसान की मौत हुई थी, जो जिस प्रकार से उस परिवार को डीसी रेट की जो नौकरी मिली है, इनका कहना भाई इस परिवार को भी डीसी रेट की नौकरी मिले या सरकारी कोई अन्य नौकरी मिले, तो भाई जो आगे की जो जानकारी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के क्या होगा, एक बार जो माँ है, जो पत्नी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे एक बार। और मेरा निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा एक बार वीडियो को शेयर करें। एक परिवार को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लड़के को लेकर के यहाँ पर विजय महिला है और माता जी कौन सी है? अच्छा, चलो अजी माता जी क्या कहना है, प्रशासन से क्या मांग करोगे सरकार से? न्याय चाहिए जी, मैंने सो जी। हाँ, मेरा बेटा जान के मारा है। अच्छा जी, मोटरसाइकिल से मन तो न्याय चाहिए जी। हाँ, कोई सुनाई नहीं हो रही जी मारी जी, मेरा भाई कोई सुनाई नहीं हो रही, तीन दिन हो गए लाश में पड़ी और कोई सुनाई नहीं हो रही, ना पुलिस वाले कुछ कर दे ना कुछ और कर दा, मामला बस न्याय चाहिए। मुख्यमंत्री खट्टर साहब तो क्या संदेश पहुँचाऊँ, क्या कहूँगा?
जी हमने न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए मैंने। भैया मतलब की पत्नी है या उसकी पत्नी है, एक लड़की है, क्या गुहार लगाओगी प्रशासन से, क्या कहना चाहोगे? मना रखनी चाहिए जी, मार का बाज गए वे मेडिकल में लेकर आए तो मेरे भाई पे भी हमला कराया जी उनने, मेरे भाई वो खुद उनने भी उठा के लेकर आया था और उस पर भी हमला कराया उनने, मना रखनी चाहिए। हमला किसने किया है? जिसने एक्सीडेंट किया उसने मेरे भाई पे भी हमला किया, वे लेकर आए उनने, उन पर हमला करा, घर के बुला कर उन और बुलाए उन अपने घर तक, उन पर भी चोट मरवाई उनके। बाद में जिस लड़के ने जो एक्सीडेंट, हाँ उन वो उस उन्होंने परिवार वाले परिवार बुलवा के बाद में भी झगड़ा किया जी ना हॉस्पिटल में आकर, तीन औरत थी उनके साथ। मैंने नए चाहिए जी, मेरे 1.5 साल की गुड़िया में कुकर पाड़ूंगी। किस तरह की मांग है जी अब आपकी तो परिवार की तरफ से, क्या जैसे मांग? मैंने रोजगार चाहिए जी, मैं कुकर के मांग खुआऊंगी, मेरी बेटी ने कुकर पाड़ूंगी। कितने बच्चे हैं जी? एक लड़की है जी, एक लड़की 1.5 साल। चलो भाई देख सको हो या एक गुड़िया है 1.5 साल की, 1.5 साल की जी है लड़की। चलो भाई वीडियो आपने देख लिया, एक जो परिवार का जो दर्द है वो भी आपने ग्राउंड मीडिया के माध्यम से देख लिया है, और आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर करें ताकि इस परिवार को न्याय मिले। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन लगाए हुए हैं और जो कितनी जो व्याकुल है, कितनी दुखी है जो मृतक की पत्नी, एक बार देख सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और जिस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से करनाल जो लाठीचार्ज हुआ था वहाँ पर जो किसान जो शहीद हुए थे उसके उस परिवार को भी नौकरी दी गई है, उसको भी कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, तो यहाँ पर इस परिवार की भी जो आर्थिक सहायता है वो की जाए। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से योगी इंचार्ज के साथ मैं जवाब दूँगा। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।